हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। तो अगर आप वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो एप्लीकेशन है वो आया है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फॉर अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन क्लॉक आवर बेसिस, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलेगा वो क्लॉक आवर बेसिस पे मिलेगा। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए स्कूल भी मेंशन कर रखे हैं, कैंपस स्कूल कुछ होंगे, कुछ सब सेंटर होंगे लातूर में, परानी में, लेट श्री उत्तम राव राठौर ट्राइबल डेवलपमेंट में, रिसर्च सेंटर किनवार डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी पोस्टिंग होगी और वहां पे जो आपका पेमेंट मिलेगा वो क्लॉक आवर बेसिस पे मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल की। तो देखिए यहाँ पे लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, सोशल साइंस है। तो जितने भी स्कूल है सो सारे स्कूल्स में जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन की रखी है। अगर एग्जाम्पल है लाइफ साइंस का, तो लाइफ साइंस में देखिए टोटल नंबर पोस्ट 14 है और जो स्पेशलाइजेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी में है। वहीं अगर बात करें फिजिकल साइंसेस की, यहाँ तो नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और स्पेशलाइजेशन फिजिक्स है। ऐसी अगर हम बात करें केमिकल साइंसेज की, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है और जो स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए वो एनालिटिकल या इंडस्ट्री है, मेडिसिन, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड पॉलीमर केमिस्ट्री में। ऐसी अगर हम बात करें कोई एजुकेशनल साइंस में, तो यहाँ पे 0 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल साइंसेज की, तो यहाँ पे 6 पोस्ट है और जो यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो कंप्यूटर में होना चाहिए। वहीं अगर बात टेक्नोलॉजी के सब सेंटर लातूर के लिए, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे 3 है जो पोस्ट है और जो आपका स्पेशलाइजेशन होता है होना चाहिए वो कंप्यूटर या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज हो, चाहे फिजिकल साइंस या केमिकल साइंस, तो यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ पोस्ट दिख जाएगी और साथ ही साथ जो स्पेशलाइजेशन है वो भी यहाँ पे मैंशन किया जा रखा है। ठीक है, और जो देखिए यहाँ पे पीरियड एट दी रेट बेसिक रेट एज पर यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नॉर्म्स अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखी है टीचिंग पोस्ट के लिए। तो अगर हम बात करें सपोज एलिजिबिलिटी ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पीजी डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, इसके साथ साथ आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए या स्लेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपने कहीं से पीएचडी किया है 2009 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपका जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए वो रेगुलर बोर्ड में होना चाहिए, और आपका पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने इवेल्युएट किया हो और जो ओपन पीएचडी वाइवा वाइवा वो होना चाहिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने पीएचडी जो है वो 2009 से पहले रजिस्टर की है। अदरवाइज आप जो है अगर एमएससी आपने किया है और साथ ही साथ आपने नेट क्वालिफाई किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो है या तो अगर आपने भी पीएचडी जो है वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के की है और उसकी रैंकिंग अगर टॉप 500 में आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे जो है वो दे रखी है क्यूएस रैंकिंग, टीएचडी दा रैंकिंग या एआरडब्ल्यूई रैंकिंग। तो इन रैंकिंग में अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने पीएचडी किया है वो 500 अंडर 500 में आती है तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी दे रखी है, जैसे क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए सब मैंशन कर रखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, देखिए कुछ और चीजें हम देख लेते हैं, जैसे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा 5% फॉर द ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल फॉर द शेड्यूल क्लास और शेड्यूल टाइप। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी रिलैक्सेशन देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी से, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, तो स्क्रॉल डाउन करिए और आई थिंक अगर आप किसी पार्टिकुलर कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा, उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है, विल बी इंटरव्यू कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी प्रोसीडेड फॉर ओरल इंटरव्यू। तो इन्होंने ओरल इंटरव्यू बोला है, आप ये इंटरव्यू जो है वो आपका फिजिकली भी हो सकता है और या आप जो है ऑनलाइन
थ्रू भी आप जो इसका इंटरव्यू दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन कमिटी के ऊपर। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी, डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की जैसे डिग्री, डिप्लोमा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड अदर सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेशन, अगर आप किसी पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करें तो उसका जो है आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही आपको SSC सर्टिफिकेट या 10th का जो सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट वो लगाना होगा एज अ प्रूफ ऑफ एज, ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने, और जो लास्ट डेट है वो सबमिट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 23 अक्टूबर 2020 शाम 5:40 PM, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको जो है इंटरव्यू की एक्चुअल डेट बता दी जाएगी। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे तो आपको यहाँ पे सारा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो इन सब फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपनी टेस्टिमोनियल्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके साथ आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म है, अगर आपने कहीं भी बुक चैप्टर पब्लिश किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तो आपको ये सब जो है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, इस फॉर्म को आपको ये फिलअप करना है, उसके बाद इसे जो है आपको भेज देना है अपनी टेस्टिमोनियल्स के साथ, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन भी जो है वो सेम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो दूसरा जो नोटिफिकेशन वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से है। तो इसमें देखिए, इसमें जो इन्होंने देखिए दे रखा है कि आपको यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है वो 24,000 पर मंथ मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, ठीक है। अब जो ये अमाउंट आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपका यूनिवर्सिटी फंड से, तो आपको जो ये पैसा दिया जाएगा वो यूनिवर्सिटी फंड से दिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की वो 23 अक्टूबर रहेगा, और जो लास्ट डेट है रिसीव करने की हार्ड कॉपी वो रहेगी 26 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपका जो नेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आपने जो है 2009 से पहले रजिस्टर किया PhD में, तब आपका जो है ऑलरेडी, मैंने जो अपने प्रीवियस जो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इन्होंने स्क्रीनिंग की है, वो जो स्क्रीनिंग होगा आपका वो 80 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, 1 मार्क ईच, और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट्स रहेगा, और यहाँ पे जो है अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर देते तो वहाँ पे 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद जो है आपका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, उस मेरिट लिस्ट के प्रिपेयर होने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए मेल किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंटरव्यू में जो है वहां पे बुलाया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो वेटेज होगा रिटन टेस्ट का वो 80% रहेगा, और इंटरव्यू 20%। तो अगर आपका जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उसके बाद आपका आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और रिटन और इंटरव्यू के बेस पे जो है मेरिट प्रिपेयर होगी, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो इन्होंने पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है, जूलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, तो ऐसे कई जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए इन्होंने सेपरेट सेपरेट पोस्ट यहाँ पे जो है वो मेंशन कर रखी। और जो यहाँ पे आपको एमोलुमेंट्स मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो कंसोलिडेटेड रहेगी 24,000 पर मंथ, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं कुछ और पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ग्रेड यहाँ मेंशन कर रखा है, अगर आपका ग्रेड 0.7 पॉइंट इसके लिए 5.56 है, तो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यानी परसेंटेज आपका 75 to 100 है, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो क्या है, तो उसकी बेस पे ही आपको जो है यहाँ पे ग्रेड भरना है, ठीक है। अब हम देख लेते कुछ एप्लीकेशन फी। तो देखिए यहाँ पे जो फी मेंशन कर रखी है 400 रुपीज कर रखी है फॉर जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, और जो फीस 200 फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे इन्होंने फीस भी मेंशन कर रखी है, तो आपको ये फी पे करनी पड़ेगी। इसके बाद बोलते हैं अगर आपका तो सिलेक्शन हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपको अगर इंटरव्यू अटेंड करना है तो आपको अपने ओन एक्सपेंसिस पे इंटरव्यू को अटेंड करना है। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी मैंने आपके क्वालिफाई एग्जाम में जो मार्क्स होगी वो 80 मार्क्स रहेगा, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप ये जो नोटिफिकेशन और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक
ठीक है, तो देखिए आपको अब क्या करना है, आपको इस www.pamu.ac.in पे जाना है और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसकी हार्ड कॉपी उसे 2 सेट्स में कंप्लीट करना है अलोंग विद सिनॉप्सिस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या आपको लगाना है, आपके जो है बीएससी एमएससी का जो भी मार्कशीट होगा, या आपका नेट गेट सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या टीचिंग सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना और भेज देना है, ठीक है, और आपको भेज देना है ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको, ठीक है। तो देखिए ये सब सारे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके डिस्कस किए। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।